सिंचन और मूवी मिस्ट्री मैकी के लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 12 की स्टार्टिंग में हम सभी लोग वहीं पे दिखाई जाती है जहाँ से मैराथन रेस स्टार्ट हो रही है। एंड जो प्रिंसिपल होता है वो रेस को स्टार्ट करने लग जाता है। एंड देन वो सभी लोग नूडल ब्रेड्स की जय हो करते हुए रेस को स्टार्ट कर लेते हैं। एंड कसामा सभी को कहता है कि मैं ही जीतूँगा, तुम लोग वरी मत करो, तुम सभी लोग एलाइट बनने वाले हो। एंड देन उसके बाद हम सभी लोगों को उनके मॉम डैड दिखाए जाते हैं। एंड उनके मॉम डैड एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे कि अब तक तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके होंगे, उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा मैनर्स भी आ चुके होंगे। एंड उसके बाद एकदम से कसामा के मॉम के सामने कसामा आता है। एंड कसामा को ऐसे रूप में देखने के बाद कसामा के मॉम एकदम से अटैक कांड उनको पड़ जाता है। एंड वो वहीं पर बेहोश हो जाती हैं। एंड देन वो थोड़ी देर में उठती हैं एंड वहाँ पे सिंचन भी आ जाता है। एंड वो अपनी मॉम को बाय बाय करते हुए जाने लग जाता है। बट देन उसके मॉम डैड उसके साथ में उसके पीछे पीछे भागते हैं एंड उससे कहते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। तो फिर वो उन्हें बताता है कि ये मैराथन रेस हो रही है एंड मैं इस जीत को जीत के आऊँगा। एंड देन उसके बाद चीज़ उसान वहाँ पर आ जाती है एंड वो उसके मॉम डैड से कहती है कि आपको बुरा नहीं लगता कि आपके बच्चे को हर कोई हेट कर रहा है, हर कोई कहता है कि वो हारेगा। एंड देन उसके बाद मिसाई कहती है इसमें कुछ नया नहीं है, जब कोई भी अपने दोस्तों के लिए लड़ता है तो फिर लोग हमेशा उसे डिसनकरेज करते हैं, बट मेरा बेटा जीत के आएगा। एंड देन उसके बाद सिंचन एंड उसके दोस्त कसामा के बिल्कुल पीछे ही भाग रहे होते हैं। एंड देन उसके बाद कसामा कहता है वो लगता है तुम लोग थक चुके हो। एंड कैसे उनके पीछे एकदम से चीज़ी आ जाती है। एंड देन वो सभी लोग चौंक जाते हैं कि फाइनली अब जो चीज़ी है वो आ चुकी है। एंड देन चीज़ी के ऊपर सभी लोग बैठ जाते हैं एंड चीज़ी सबको अपने पद्दी पर बिठा के भागने लग जाती है। एंड गाइस जैसा कि चीज़ों ने हम सभी लोगों को बताया था कि जब भी चीज़ी भागती है तो फिर उसकी शक्ल बहुत ही ज़्यादा अजीब सी हो जाती है। तो फिर उसकी शक्ल बिल्कुल अजीब सी होने लग जाती है। एंड जो चीज़ी होती है वो कसामा से भी आगे निकलने वाली होती है। एज उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी, वो बहुत ही अच्छी रनर है, बट जो उत्सुमन है वो उन लोगों के ऊपर अटैक करने लग जाती है। बट गाइस थोड़ी देर में वो लोग दोबारा से भागना शुरू कर देते हैं। एंड देन उत्सुमन उनके ऊपर जोर जोर से बड़े बड़े गोले गिराने लग जाती है। एंड उन गोलों से आयरन मास्क उन सभी लोगों को बचा लेता है। एंड आयरन मास्क सभी लोगों को अपनी गैंग के साथ बचाने लग जाता है। एंड उसके बाद वो मसाओ को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता है। एंड वो फाइनली अपना मास्क उतार देता है एंड वो अपने मास्क को मसाओ को पहना देता है। एंड हमें पहली बारी आयरन मास्क माचो का रियल चेहरा दिखाया गया है। एंड देन उसके बाद आयरन मास्क माचो कहता है कि तुम 34 तनकाज़ो अकेडमी के लीडर हो। एंड देन दूसरी साइड पे हम सभी लोगों को दिखाया जाता है कि सिंचन चीज़ी ओसान के साथ है एंड नैनी भी वहीं पे है। एंड जो हमारी उत्सुमन है उसने उनके पीछे बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स लगा दी हैं, बट उन मशीन्स को रोरो ख़त्म कर देती है। एंड वो भी उन्हीं के साथ में भाग रहा था। एंड देन रोरो कहती है कि मेरे को इंसान पसंद नहीं है पर मेरे को तुम पसंद हो। एंड ये सुनते ही वो बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से भागने लग जाता है। एंड रोरो उन लोगों की मदद करने लग जाती है। एंड नैनी को सासुगा वहाँ पे साइड में बैठा हुआ दिखाया जाता है जो कि अपनी गलती का पश्चाताप कर रहा होता है। एंड उसके बाद नैनी कहती है तुमने बहुत बड़ी गलती तो की है पर हम लाइफ में जितनी भी गलती करें हम हमेशा स्टार्टिंग से दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड सभी लोग काफ़ी ज़्यादा जोश में आगे बढ़ते हुए भाग रहे थे। एंड उन सभी लोगों का जोश देख के सभी लोग उन लोगों की तरफ हो जाते हैं छोड़ के कसामा को। एंड सभी लोगों को चीयर करने लग जाते हैं। एंड कसामा ये सब कुछ देख के काफ़ी ज़्यादा अजीब सा फील करता है कि अभी तक तो ये सभी लोग मेरे साथ में थे। एंड देन वो सभी लोग उत्सुमन के सारे ड्रोन्स को तबाह करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। एंड उत्सुमन चीज़ियों को डरा रही थी कि तुम बहुत ही ज़्यादा अजीब सी लग रही हो। एंड उसके बाद चीज़ियों कहती है मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं जैसी भी लगती हूँ। एंड चीज़ियों उन सारे के सारे ड्रोन्स को तबाह कर देती है। एंड इस बीच में चीज़ियों को भी काफ़ी ज़्यादा चोट आ जाती है एंड चीज़ियों नीचे गिर जाती है। एंड देन वो सिंचन से कहती है कि मेरी चिंता मत करो तुम भागो। एंड वो ऐसा सुनते ही भागने लग जाता है। एंड कसामा की और उनकी जो रेस है वो काफ़ी ज़्यादा आगे तक बढ़ चुकी थी। एंड सभी लोग सिंचन को चीयर कर रहे थे। एंड ये सब कुछ देख के कसामा बहुत ही ज़्यादा अजीब सा फील करता है कि अभी तक तो ये सभी लोग मेरे साथ में थे, लोग बहुत जल्दी अपना रंग बदलते हैं। एंड देन उसके बाद सिंचन का जो पसीना होता है वो कसामा के उस रोबोट वाले सूट के ऊपर पड़ जाता है यानी कि उत्सुमन की मशीन पे। एंड इसीलिए जैसे ही वो उसके अंदर जाता है तो फिर उत्सुमन की पूरी मशीन खराब पड़ जाती है। एंड कसामा को एक जोर का शौक लगता है एंड वो सारा का सारा रोबोट तहस महस हो जाता है। एंड देन उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब कसामा उठता है तो फिर वो पहले जैसा हो चुका होता है, वो अब कोई सुपर एलाइट नहीं है। तो फिर उसके बाद सासुगा कहता है कि जब उसे तीसरी बार दोबारा से शौक लगा इसीलिए वो वापस से नॉर्मल हो गया।
एंड देन ये सब कुछ सुनते ही सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बट गाइस स्टिल सिंचन और कज़ामा अपनी रेस को जारी रखते हैं। एंड देन उसके बाद कज़ामा कहता है कि हम सभी लोग फ्यूचर में और भी नए नए फ्रेंड्स बनाएंगे। मैं चाहता था कि हम दोनों के दोनों एक ही साथ में हर स्कूल में रहें। एंड देन उसके बाद सिंचन भी उसके साथ साथ भाग रहा होता है एंड कहता है कि तुम्हारी बात में दम है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। एंड भागते भागते ही कज़ामा कहता है कि तुम्हारे जैसे लोग हमेशा अपनी लाइफ के लिए केयरलेस रहते हैं, अपने करियर के ऊपर ध्यान दो। एंड देन उसके बाद सिंचन कहता है कि तुम हो जो कि केयरलेस हो, मेरे को ऐसे नहीं जीना। एंड देन उसके बाद कज़ामा कहता है कि मेरे को एक एलाइट की लाइफ के थ्रू होके कुछ बनना है। एंड उसके बाद सिंचन कहता है तो ऐसा करने के लिए तुम चीटिंग नहीं कर सकते। एंड देन उसके बाद कज़ामा कहता है कि तुमने भी चीटिंग की थी। एंड देन उसके बाद सिंचन कहता है कि मैंने ऐसी कुछ चीटिंग नहीं की थी। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि वो लोग लास्ट की जो रेस है उसके बिल्कुल एंड पे है। एंड देन उनमें से देखते हैं कि कौन उस नूडल ब्रेड को उठाने वाला है। एंड वो अपनी स्पीड को बहुत ही ज़्यादा तेज कर लेते हैं एंड दोनों के दोनों एक साथ जंप करते हैं ताकि वो उस नूडल ब्रेड को उठा सकें। एंड गाइस इसका जो परिणाम है वो बिल्कुल ही उल्टा होने वाला है, जैसा कि हम सभी लोगों को लग रहा था कि शायद सिंचन जीत जाएगा। बट गाइस गलती से सिंचन का हाथ पीछे रह जाता है एंड कज़ामा उस नूडल ब्रेड को पकड़ लेता है एंड दोनों के दोनों नीचे गिर जाते हैं। एंड देन उसके बाद वो दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा थक चुके होते हैं तो उनके दोस्त उन सभी लोगों की मदद करने के लिए वहाँ पे आ जाते हैं एंड थोड़ा बहुत पानी वानी पिलाते हैं। एंड देन उसके बाद सिंचन कज़ामा की नूडल ब्रेड के अंदर के सारे नूडल्स को खा जाता है। एंड कज़ामा कहता है आखिर तुमने ये क्या किया, इसके अंदर तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ सारे के सारे नूडल्स ही नूडल्स थे, तुमने इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बन बन को छोड़ दिया, इसको भी खा जाओ ना, इसको क्यों छोड़ दिया है। कज़ामा के ऐसा कहने पे सिंचन उस बन को भी खाने लग जाता है बट कज़ामा पीछे अपना हाथ कर लेता है। एंड देन उसके बाद सिंचन कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है एंड कज़ामा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। देन वो दोनों के दोनों उठते हैं एंड सभी लोगों को कज़ामा दिखाता है कि इसने मेरे नूडल ब्रेड के नूडल्स खा लिए। एंड सिंचन कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा केस है, उससे भी बड़ा केस जो कि मैंने अभी अभी सॉल्व किया है, हमें बड़ा ही ज़्यादा अच्छा केस मिल चुका है मेरे दोस्तों, चलो फाइंड करते हैं कि कल्प्रिट कौन है। एंड देन उसके बाद कज़ामा कहता है तुम ही वो कल्प्रिट हो, तुमने ही अभी अभी ये सब कुछ खाया है। एंड वो दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से लड़ने लग जाते हैं एंड देन एकदम से सिंचन स्टैचू बन जाता है। एंड कज़ामा पूछता है कि आखिर तुम ये क्या सोच रहे पे लग चुके हो। एंड उसके बाद सिंचन उसको अपनी बातों में घुमाने लग जाता है और कहता है चलो तुम ये क्या कह रहे हो, हम दोनों मिलके एक हवा से ही राइस केक बनाते हैं। एंड वो दोनों के दोनों ये सब कुछ करने लग जाते हैं तभी कज़ामा को रियलाइज़ होता है कि वो उसे कंफ्यूज़ कर रहा है एंड वो उसे कहता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। एंड गाइस यहीं पे सिंचन और मूवी मिस्ट्री मैकी का पार्ट 12 एंड हो जाता है, यानी कि हमारी जो मूवी है वो ख़त्म हो चुकी है। एंड गाइस ये जो मूवी थी ये सही में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी, इसके अंदर सारे के सारे कैरेक्टर्स एंड सारे के सारे रोल्स बहुत बढ़िया थे, खास करके वो वैम्पायर एंड सिंचन और कज़ामा का सारा का सारा जो भी ड्रामेटिक सीन्स थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थे। बट गाइस अभी जो ये सारी की सारी एक्सप्लेनेशन थी वो तो ख़त्म हो चुकी है। बट गाइस मैं जल्द इसका पूरा का पूरा एक कम्प्लीट पार्ट लाने वाला हूँ, मतलब मैं सारे के सारे एक्सप्लेनेशन वाले अपने जो एपिसोड्स हैं उनको एक ही में कंपाइल कर दूंगा जिससे कि एक पूरी की पूरी मूवी बन जाएगी। बट अभी के लिए दिस इज़ द एंड।